क्या ऑक्शन हुआ यार कल? इसका तो सिर्फ नाम ही मिनी ऑक्शन था। जो कुछ हुआ वैसा तो आज तक मेगा ऑक्शन में भी नहीं हुआ। इस पूरे ऑक्शन को एक लाइन में समअप करूं तो भाई अंग्रेजों ने एक बार फिर से लूट लिया हमें। ऊपर से गांधी जी देखकर बोल रहे होंगे, हाँ यही दिन देखने के लिए तो मैं 135 दिन भुका रहा था। श्याम करण 18.5 करोड़, बाप रे। कोने में विराट भाई बोल रहे होंगे, भाई ऑक्शन में जाना तो मैं भी डिजर्व करता हूँ ना। हमारी लीग में हमारी प्लेयर से ज्यादा पैसे फॉरेनर्स को मिल रहे हैं, ये तो नाइंसाफी है ना यार। इतने पैसे देखकर तो मुझे पाकिस्तानी प्लेयर्स की याद आ गई। वो लोग मोहम्मद अली जिन्ना को बोल रहे होंगे, अगर बंटवारा नहीं किया होता तो आज हमें भी इतने पैसे मिलते। तो चलो बहुत सारे मीम्स बने हैं इस ऑक्शन पर, वो देखते हैं हम। Watching players getting lots of money from auction. बापूजी अगर आपने मुझे क्रिकेट खेलने भेजा होता तो मैं भी आज करोड़पति बन गया होता। इस पर बापूजी का रिप्लाई आता, चल चल अबे, तुझे तो कोई भीख मांगने पर भीख भी ना दे। ऑक्शन में गलती से चला भी जाता तो तेरा बेस प्राइस -2 करोड़ होता। उल्टा तुझे उन लोगों को पैसे देने पड़ते कि कोई खरीद तो लो मुझे। सैम करन प्राइज 18.50 करोड़। यू नो हु, जहाँ हमारे PSL के 3 सीजन पूरे होते हैं वहाँ इनका एक प्लेयर बिकता है। द अनसोल्ड IPL 11, बिचारे। बेन स्टोक्स सोल्ड टू CSK फॉर 16.25 करोड़। मीनवाइल बेन स्टोक्स इन पैरेलल यूनिवर्स, विराट कोहली। ये भी ओपी था यार, बेचारा बेन स्टोक भी चाहता होगा कि जैसे विराट मेरा नाम लेता है वैसे मैं भी उसका नाम लूँ। फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम हेवन वॉचिंग ब्रिटिशर्स लूटिंग इंडिया 8 अगेन, डिसअपॉइंटमेंट इन 200। कितनी भी आज़ादी क्यों ना मिल जाए, लगता है ये अंग्रेज हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। PBKS टू सैम करन, ऐसा स्टार बनाएंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। हाँ सुन, मेरे को ना एक बंगला चाहिए, रेस कोर्स और गोल्फ कोर्स के बीच में, और एक उसमें प्राइवेट तालाब भी चाहिए, और उसके अंदर वाटर प्रूफ मछलियाँ होनी चाहिए, और साथ में प्राइवेट स्टेडियम और एक मल्टीप्लेक्स पिक्चर देखने के लिए। सैम करन, हे मैं बच्चों से बात नहीं करता। ये बच्चा तो बड़ा हो गया भाई। द करन ब्रदर्स इन IPL ऑक्शन 2023। सैम करन 18.50 करोड़। टॉम करन अनसोल्ड, जा रहा हूँ रिश्तेदारों के ताने सुनने। अगर दोनों के बीच कन्वर्सेशन हुआ तो कैसा होगा? सैम करन बोलेगा, मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? टॉम करन बोलेगा, मेरे पास माँ है। भाई आधे प्लेयर्स के भाव तू बढ़ा, आधे प्लेयर्स के भाव मैं बढ़ाता हूँ। IPL प्राइजेस इंक्रीजिंग मशीन, इन लोगों की वजह से ही तो ऑक्शन देखने में मजा आता है यार। द आर्ट द आर्टिस्ट, मुझे तो लगता है कि पूरन और ब्रूक ने इन दोनों को 5-5% कमीशन दिया होगा। बार बार चुना लगाने के बाद भी करोड़ों में बिकने का घमंड है, होना भी चाहिए भाई, नहीं तो कुछ लोगों को चुना लगाने के बाद देश ही छोड़ना पड़ जाता है। जिस भगवान ने निकोलस पूरन को 16 करोड़ दिलवा दिए उसने मेरे लिए भी 10-12 लाख की नौकरी सोची होगी। हाँ यार, मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ मेरी सिलेक्शन हो गई है। अब ये किसी ने भेजा है, मेरे पे छोड़ा है? नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है, यानी मैं बेवकूफ हूँ? नहीं, मैंने कब कहा? निकोलस पूरन। वाह यार, एकदम सिमिलर लग रहा है। पर भाई तूने तो कहा था कि कंपनी स्विच कर ले सैलरी बढ़ जाएगी। लगता है किसी ने उल्लू बनाया आपको विलियमसन भाई। IPL ब्रॉट डाउन केन विलियमसन वैल्यू फ्रॉम 15 करोड़ टू 2 करोड़, टार से उठा के सड़क पर लाऊंगा। अदर टीम्स RCB विद 8.25 करोड़। किसी ने इनको पूछा किस किस को खरीदा, RCB वाले भी लाइक, चाय और खाना बहुत बढ़िया था ऑक्शन में। बस खाना और चाय पीने के लिए तो गए थे ये लोग। जोरूट, उठा लिया रे RR ने मुझे, उठा लिया। जोरूट टू बटलर, मैं तो तेरे को हरामी समझता था पर तू तो देव मानुस निकला। ऑक्शन से पहले रूट ने बटलर को बोला होगा, भाई देखना कुछ जमता होगा तो, बेस प्राइस में भी खरीद लेगा तो भी चलेगा। AB डी विलियर्स वॉन 0 IPL टाइटल्स विथ RCB। अरे बाप रे, ये लोग तो धोती खोल रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर